पंचायत है महिलाओं की पार्लियामेंट के सामने 28 तारीख को। तो हम तो पहले ही बोल रहे कि हमारी जो चीजें हो रही है वो शांतिपूर्वक हो रही है, उसमें मैं सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आप भी उसमें शांति बनाए रखें, हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको रोका ना जाए। और जो ब्रजभूषण जी ने एक आरोप लगाया था कि 15 रुपए के मेडल है, उसने मेडल का नहीं तिरंगे का भी मोल लगाया है उसने, क्योंकि जब हम मेडल जीते तो हम तिरंगा लेके दौड़ते हैं मैट के ऊपर, तो उसने मेडल के साथ साथ तिरंगे का भी अपमान किया है। वो हमें देशद्रोही बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो उसकी शब्द ब्रजभूषण की शरण चलेगी। जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दी है ना, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, हम तैयार हैं। उसकी चुनरी हम बोल तो दिया, उसकी चुनरी देश के सामने आ जाएगी, वो बोल तो दिया लाइव टेलीकास्ट हो जाएगी, उनकी चुनरी कितने दाग है या ना हो सामने आ जाएगी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ब्रजभूषण को ऐसे प्रिटेंड करके या ऐसे दिखा के मत पेश किया जाए कि वो देश के हीरो हैं, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, अगर ऐसे लोगों को आप हीरो बनाओगे तो जो देश के असली हीरो हो या जो है जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तिरंगा फहराते हैं, तो उनको आप किस देश में पेश करोगे देश के सामने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रजभूषण को हीरो बना के पेश ना किया जाए। यौन शोषण का अपराधी है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उनके ऊपर 7 लड़कियों ने कंप्लेन करवा के केस दर्ज किया गया है। और जो भी ये बोल रहे हैं कि वो ये नार्को टेस्ट का, वो हमने 1 महीने से बोल रहे हैं, 1 महीने बाद उसकी नींद खुली है क्या नार्को टेस्ट के लिए, वो हमने पहले बोला था। तो ऐसे प्रिटेंड ना किया जाए कि बस भूषण ने सामने से अप्रोच किया है नार्को टेस्ट का। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा पूरे 30 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल 23 मई को हम शाम 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो आप सब लोग वहां आइए और हमारा समर्थन कीजिए। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो शुरू दिन से ही हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और कोई भी अगर यहाँ आके कुछ भी गलत एक्टिविटी कर रहा है या भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, क्योंकि हम नहीं किसी भी आदमी के अंदर घुस सकते हैं। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहां हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहां कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी सरकार से भी निवेदन है कि जो भी आए महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही जो भी हमने किया, हम मंदिर में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हमने सब शांतिपूर्वक किया।